हेलो दोस्तों, तो चलिए आज से शुरू करने वाले हम लोग यूपीएससी या आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। याद रखिए, हम लोग 2011 से शुरू करेंगे और 2019 तक के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, इससे पहले बता दें हम आप लोगों को कि हम लोग यूपीएससी का पैटर्न देख चुके हैं और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे हम लोग 2011 का, फिर अगले लेक्चर में हम लोग 12, इसी तरह हम लोग 2019 तक देखें। तो ये 2011 का है प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर और ए सेट है। ठीक है, याद रखिए, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुके, ये 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का रहता है और 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2011 बारे में, जैप मूल एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है, इस पदार्थ का क्या महत्व है? तो याद रखिए, तो इसमें पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है। बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय साधनों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही चुनना है अपन को? तो याद रखिए, इसमें होगा बी ऑप्शन सही। कौन कौन सा? पहला सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा? 1, 3, 4, मतलब बी ऑप्शन इसमें सही होगा, हमारे पहले का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, उपयुक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं? तो याद रखिए, दूसरे का होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तीनों याद रखिए, दूसरे का डी होगा। चौथा, तीसरा क्वेश्चन, दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भू तुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए, तीसरे का ए ऑप्शन सही होगा, मतलब ए ऑप्शन सही होगा, एक सही होगा, दो सही होगा, तीन, चार गलत होगा इसमें। ठीक है, तीसरे का बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है, तीसरे का ए है। ठीक है, फिर है फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर, हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो याद रखना है, उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है। दूसरा है, बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। तीसरा है, आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई रचनात्मक संरचनात्मक अवरोध आए हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है चुनना है? ठीक है, तो चौथे का होगा बी ऑप्शन, दो और तीन सही होगा, एक इसमें गलत होगा। ठीक है, चौथे का है बी ऑप्शन, फोर्थ नंबर का बी ऑप्शन है, याद रख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन होगा, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उसकी सापेक्षिक स्थिति
अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो ये पहला है, उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। उसकी मदद दूसरा है, उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण को ज्ञात हो सकते हैं। तीसरा है, उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए, पाँच का होगा सी, पाँच का सी होगा, पाँच का होगा सी। एक और तीन, इसमें एक और तीन सही होंगे, एक और तीन, ठीक है। याद रखिए, पाँच में सी होगा हमारा, कौन कौन से, एक और तीन। छठा क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में इक्कीस राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन हुआ। सॉरी, 19वें खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन हुआ। तो याद रखना, छठवें का होगा निर्यात था, ये ऑप्शन होगा। सातवां, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती हैं, क्योंकि पहला है, इसमें ये जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब स्टेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती हैं। दूसरा होगा, ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सब स्टेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इसमें होगा सात का होगा हमारा सी ऑप्शन, सात का होगा सी, एक और तीन सही होगा इसमें, सात का होगा सी, कौन सा, एक सही होगा इसमें। ये जैविक जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब स्टेटों में से विद्युत उत्पादन कर सकती हैं। और तीसरा कौन सा है, ये जल शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अवशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? तो याद रखना, इसमें बी ऑप्शन होगा आठ का, यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, ठीक है। आठ का होगा बी, ठीक है, याद रखिए, आठ का क्या होगा बी। नौवा देखते हैं क्वेश्चन, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है, इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो याद रखना, बी ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह है, ठीक है। और नौ का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर दसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, मूल्यन, निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI आए तथा FIIS से अधिक निधि आए। तो याद रखना, 10 का होगा डी ऑप्शन, 10 का कौन सा होगा डी ऑप्शन सही, एक तीन,
एक तीन सही होगा इसमें। घरेलू मुद्रा का उन्मूलन और उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI आए तथा FIIs से अधिक निधि आए। ठीक है, 10 का डी है। 11 की बात करते हैं। 11, संविधान अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? तो याद रखिए, जिला योजना समितियों का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना, 11 में भी डी होगा, डी ऑप्शन सही होगा, मतलब 1 और 2, 3 तीनों सही होंगे। जिला योजना समितियों का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। ठीक है, 11 का डी होगा। 12, दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव एवं जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? तो याद रखिए, 12 का होगा ए, भीतरकनिका। भीतरकनिका ए ऑप्शन सही है 12 का। बात करते हैं 13 का क्वेश्चन। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार व्यवहार प्रभाव पर लगाया जाता है, यह आधार प्रभाव क्या है? तो याद रखिए, 13 का होगा सी ऑप्शन सही, यह वित्तीय वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव, 13 का सी है। फिर 14, भारत की गिनती जनांकिकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु की वर्ग की जनसंख्या अधिक है। याद रखना, 14 का होगा बी। 15वां क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिए, सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें होगा डी ऑप्शन, 15 में डी होगा। इसमें सही कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई है, ये सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके हैं, ये भी सही है। इसमें कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना, ये भी सही है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो याद रखिए डी ऑप्शन है इसमें गलत। ठीक है, बात करते हैं 16 का क्वेश्चन। 15 का डी है, 15 का डी है, याद रखना है आपको। ठीक है, 16, निम्नलिखित में से कौन सी मूल आधारित कर की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिए, यह है बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है, ये सही है। इसकी विशेषता है, यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन की हर चरण में हुए संवर्धन पर लगाया गया टैक्स है, ये भी सही है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया कर है जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है, ये भी सही है। यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व है कि इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित रहे, तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन होगा, 16 का डी है। 16 का क्या है? डी। फिर 17, बंद अर्थव्यवस्था वह अवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था वह अवस्था है ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, 17 का डी है। 17 का डी है। 18, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो
यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि, तो याद रखना, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। बी ऑप्शन होगा 18 का, 18 का बी होगा, ठीक है, 17 का डी और 18 का बी, ठीक है, याद रखिए। फिर 19वां क्वेश्चन, 19वां, न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? तो याद रखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। ए ऑप्शन सही है, 19 का ए है, ठीक है। फिर है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तीन मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के विखर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो याद रखिए, जैसे जाति बहुतायत, वनस्पति घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति, वनस्पति महत्व, आंशकाबोध, वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रतिकूल अनुकूल, उपयुक्त में से कौन से तीन मानक इस संदर्भ में सही हैं? तो याद रखना, 20वें क्वेश्चन का होगा सी ऑप्शन सही, 20 का सी होगा, 20 का क्या होगा सी, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, ठीक है, इसमें सही होंगे, ठीक है, याद रखिए। जाति बहुतायत, स्थानिकता और आंशिकता बोध, याद रखिए 20 का है सी, 21, 21वां क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत से वायुमंडल के नीचे भाग में नहीं रहती है क्योंकि वह बाह्य समता मंडल में पलायन कर जाती है। दूसरा है, समुद्र में पादप प्लवक विकास संश्लेषण कर लेते हैं। तीसरा है, ध्रुवीय बर्फ छत्तक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है पूछ रहा है। तो याद रखिए, 21 का बी ऑप्शन होगा, केवल दो, कौन सा, समुद्र में पादप पिलवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, बी ऑप्शन होगा, याद रखना, केवल दो, 21 का बी है, 21 का बी है, ठीक है, केवल दो। फिर 22 क्वेश्चन नंबर 22, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। पहला है, अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर। दूसरा है, पोषक को सतह पर लाकर। तीसरा है, अध स्थली जीवों को सतह पर लाकर। तो याद रखिए, 22 का होगा हमारा बी, केवल दो, बी ऑप्शन सही, केवल दो होगा, पोषकों को सतह पर लाकर। 22 का क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, केवल दो, ठीक है, याद रखिए। फिर है 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। ए ऑप्शन है 23 का क्या है, ए ऑप्शन है 23, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, ए ऑप्शन, ठीक है। फिर है हमारा 24 क्वेश्चन नंबर, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो याद रखिए, बी ऑप्शन सही है इसमें, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। 24 का बी है, 24 का कौन सा है, बी। 25 क्वेश्चन नंबर 25,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। उपयुक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? तो याद रखिए, 25 का होगा हमारा सी, 25 का सी, 1, 2, 3, 4, ठीक है, चारों सही होंगे। 25 का सी होगा, चारों सही होंगे, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो याद रखना, 26 का होगा डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, 26 का डी। 27, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? तो पहला है, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। दूसरा है, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अति शीघ्र होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो याद रखिए, 27 का होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों गलत हैं, ठीक है। 27 का डी है, 27 का डी है, ना ही 1 और ना तो 2, ठीक है, कोई सही नहीं है। 28 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा संस्थागत विदेशी निवेशक दोनों ही किसी देश में निवेश से समृद्ध हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? तो याद रखिए, 28 का बी ऑप्शन हुआ, FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। 28 का बी ऑप्शन है, ठीक है, याद रखिए। 29, वैगन की अनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी वैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य क्या है? तो याद रखिए, इसे नाशक जीव सह बनाना है। ए ऑप्शन सही है, 29 का ए ऑप्शन सही है। 30, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। दूसरा है, बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए। तीसरा है, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे दो बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो याद रखिए, 30 का होगा हमारा सी ऑप्शन, 1 और 3, ठीक है, इसमें सही कथन होगा 1 और 3, कौन कौन सा? इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए, ये सही है, और फिर तीसरा ऑप्शन सही है इसमें, कौन सा? तीसरा, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे दो बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है, इसमें सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 31, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है, इस पद का क्या अभिप्राय है? पहला है, यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। दूसरा है, यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। तीसरा है, यह सल्फर मुक्त होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो याद रखिए, 31 का होगा हमारा बी ऑप्शन,
केवल एक और दो। यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत होगा, याद रखिए तीसरा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा इसमें। फिर है 32 क्वेश्चन नंबर, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो याद रखना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। 32 का होगा ए ऑप्शन। फिर है 33 क्वेश्चन, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ का हकदार हो जाता है? पहला है, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 33 का होगा सी ऑप्शन, 1 और 3 सही है इसमें। 33 का क्या होगा? सी, 1 3, मतलब यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। ये भी सही है, 1 सही है। और फिर होगा तीसरा, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर है 34 क्वेश्चन नंबर, भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है, वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं? तो पहला है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। दूसरा है, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। तीसरा है, सार्वजनिक भवनों में ढाल की उपलब्ध होना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो याद रखिए 34 का होगा डी, 1 2 3, तीनों सही हैं। ठीक है, याद रखिए 34 का डी है, 34 का क्या है? डी, 1 2 3ों सही हैं। ठीक है, याद रखिए। 35 क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा कौन को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? तो याद रखिए, पहला है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। दूसरा है, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। तीसरा है, उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने हेतु। ठीक, तो इसमें होगा 35 में बी ऑप्शन, 1 और 2 सही होंगे इसमें। ठीक, 35 में बी ऑप्शन सही है। फिर है 36वां क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो याद रखिए 36 का बी है, भारत की संसद। 36 का कौन सा है? बी। 37 क्वेश्चन नंबर, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त समूचा राजस्व जमा होता है। तो याद रखना, भारत की संचित निधि में। 37 का सी ऑप्शन सही है। फिर होगा 38 क्वेश्चन नंबर, सूक्ष्म वित्त निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वह हैं, तो याद रखिए, ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निधि अंतरण। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर चुनना है। तो 38 का है डी ऑप्शन, चारों। ठीक, क्या है? 1 2 3 4, चारों सही हैं इसमें। ऋण सुविधाएं,
बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निधि अंतरण, ठीक। 38 का डी है। 39, भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्व एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? तो याद रखना 39 का होगा डी। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है, ठीक है। फिर होगा हमारा चालीस क्वेश्चन नंबर। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं होती है, ट्रांस फैट्स नहीं होती है। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? तो पहला है, कंपनी के आहार उत्पादक हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए गए। दूसरा है, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए गए। तीसरा है, कंपनी द्वारा उपयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो याद रखिए 40 का होगा सी ऑप्शन, 1 और 3 इसमें सही होगा। 40 का सी, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित हैं, ये भी सही है। और तीसरा, कंपनी के द्वारा उपयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। इसमें 1 और 3 सही है, ठीक है। 40 का सी है। फिर 41, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो याद रखिए किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, ठीक है। डी ऑप्शन सही है 41 का, 41 का डी है। ठीक है, 41 का डी है। बात करते हैं 42। 42 की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। दूसरा है, भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को भरना चाहता है। तीसरा है, भारत अपनी दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 42 का बी ऑप्शन सही होगा, 1 और 3। कौन कौन सा? 1 और 3। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। और तीसरा है, भारत अपनी दक्षिण पूर्व तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। तो याद रखिए 42 का बी ऑप्शन होगा, 42 का क्या होगा? बी। फिर 43, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो याद रखिए 43 का होगा डी, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, ठीक है। 43 का होगा डी ऑप्शन। फिर 44, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए 44 का ए है, ए ऑप्शन होगा, लोक चुनावों में मतदान करना ए नहीं है, ठीक। इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ए है ऑप्शन, मौलिक कर्तव्य है। तो याद रखिए 44 का ए ऑप्शन है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। 44 में ए है ऑप्शन, ठीक है। फिर 45 क्वेश्चन नंबर।
भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ही कथन सही है? ठीक है, तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन सही है। इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, 45 का डी है। 46, निम्नलिखित पर विचार करना है। शिक्षा का अधिकार, दूसरा है समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा है भोजन का अधिकार। मानव अधिकारों का व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार में आता है? तो याद रखिए 46 का होगा हमारा डी ऑप्शन। 46 का क्या होगा? डी, 1, 2, 3। ठीक है, तीनों आते हैं। शिक्षा का अधिकार ये भी है, सही है। समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार ये भी सही है। तीसरा भोजन का अधिकार ये भी सही है। 46 का डी है। तो 47, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकता है? पहला है ज्वार नद मुख से पोषकों का रिसाव, दूसरा है मानसून में भूमि से जल वाह, तीसरा है समुद्रों में उत्प्रवाह। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 47 का है डी, 1, 2, 3, तीनों सही हैं इसमें। ठीक, 47 का डी है। फिर है 48 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है। फिरका संश्लेषण, शोषण, जैव पदार्थों का अपचय, ज्वालामुखी की क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो याद रखिए 48 का हमारा सी है। 48 का क्या है? सी, शोषण, जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, 2, 3, 4 हैं। ठीक, 48 का सी हो गया। फिर है 49। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वेस्टर्न व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? तो पहला है इसमें ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगोड़न में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना, जबकि वेस्टनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि वेस्टनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महासंघ के महाद्वीप के देश हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 49 का होगा हमारा डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों गलत हैं। ठीक, याद रखिए 1, 2 दोनों गलत हैं। याद रखिए 49 का डी होगा। फिर 50, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किन कारण से होता है? किस कारण से होता है? तो याद रखिए 50 का होगा सी ऑप्शन, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। याद रखना 50 का सी है। फिर है 51 क्वेश्चन नंबर। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु की कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो याद रखिए भारतीय वन गधा, बी ऑप्शन सही है। 51 का, 51 का बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? पहला है ला नीना
नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्री की असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित है। एल नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 52 का है, 52 का डी, ना तो एक और ना ही बी दो, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। ठीक है, याद रखिए। फिर होगा हमारा 53 क्वेश्चन। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारण के रूप में जोड़ कर देखा जा सकता है? तो याद रखना 53 का होगा डी ऑप्शन। उपयुक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, याद रखिए रेतों की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना ये भी सही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना ये भी सही नहीं है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना ये भी सही नहीं है। 53 का डी है। फिर 54 क्वेश्चन नंबर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? तो याद रखिए 54 का है बी ऑप्शन, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, एक गलत है। ठीक, यह आंदोलन अहिंसक था, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसके सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया गया था। तो याद रखिए ए बी सी सही होगा, इसमें इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ये गलत है। ठीक, 54 का बी होगा ऑप्शन। ठीक, फिर 55। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा करा कारण मुहैया किया? तो याद रखिए 55 का होगा डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, 55 का डी है। फिर है 56 क्वेश्चन। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास के सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? तो याद रखिए 56 का होगा सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। याद रखिए 56 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर है 57 क्वेश्चन नंबर। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो याद रखिए ए ऑप्शन सही है, ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पट व्यक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पट व्यक्त कर सकता है। ठीक, 57 का डी है, 57 का डी, सॉरी 57 का ए है ऑप्शन। ठीक, 57 का ए। फिर 58 वा क्वेश्चन। 58, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, दूसरा है यह वर्षाधीन खेती के सिंचाई का एकमात्र साधन है, तीसरा है इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित पुटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो 58 का सी ऑप्शन होगा, केवल एक और तीन। ठीक है, 58 का सी ऑप्शन होगा सही। फिर 59, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग है थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेज की
संघटक थी। पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो याद रखिए 59 का होगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी, 1 और 2 सही होंगे इसमें, ठीक है, 1 और 2। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली निधि, और दूसरा भारत में कार्यरत अंग्रेज अधिकारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली निधि, 1 और 2 सही है। 59 का बी हो गया। फिर है 60 क्वेश्चन। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? पहला है अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा है प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना ये ऑप्शन सही है इसमें, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, 60 का ए है, ठीक। फिर 61 क्वेश्चन। जीव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी, तो याद रखना पहला है मृदा निर्माण, दूसरा है मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा है अवशिष्ट का पुनर्चक्रण, तीसरा है सस्य परागण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है, तो 61 का होगा हमारा डी। 61 का क्या होगा? डी, 1, 2, 3, 4 चारों सही होंगे, ठीक है। इसमें मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अवशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण। फिर होगा 62 क्वेश्चन। बाजार में बिकने वाली एस्पिरेटम टेम एस्फर टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है, उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? तो याद रखना 62 का होगा डी ऑप्शन। एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः है थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, याद रखना 62 का डी होगा। फिर 63 क्वेश्चन नंबर। सन 1893 में सर विलियम विडरवन तथा डब्ल्यू एस कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? तो याद रखिए 63 का ए ऑप्शन, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, 63 का ए ऑप्शन सही है। फिर 64 क्वेश्चन नंबर। सी एफ एल तथा LED लैंप में क्या अंतर है? तो पहला है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का उपयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करता है। दूसरा है CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक है। तीसरा है LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 64 का होगा सी ऑप्शन, 1 और 3, ठीक है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का उपयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थ का उपयोग करता है, ये भी सही है। और तीसरा सही है, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, ठीक है। 64 का सी ऑप्शन है। 65 क्वेश्चन नंबर। हाल में ओएल जेपर समाचारों में था, यह क्या है? तो याद रखिए, यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है, 65 का हमारा ए है। फिर 66। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, इस
कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से कौन एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है? गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन सा है? याद रखिए, इसमें होगा 66 में ए ऑप्शन, ओ पॉजिटिव। ठीक है, 66 का ए है। फिर है 67। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं हैं ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो याद रखना 67 का होगा बी ऑप्शन, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। याद रखना 67 का बी ऑप्शन है। तो 68 क्वेश्चन नंबर, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति है। तो याद रखना 68 का होगा, 68 का होगा ए ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। 68 का ए ऑप्शन है, 68 का ए ऑप्शन है। फिर 69 क्वेश्चन नंबर, ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है, यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? तो पहला है, इसमें डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो को समर्पित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो को समर्पित करता है। डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। बीडी की मोटाई 2.4 mm जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 69 का होगा बी ऑप्शन, एक और दोनों, एक दो दोनों सही हैं। ठीक है, तीसरा गलत है, ए भी सही है, ए भी सही है, तीसरा गलत है। फिर है 70, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन, तीसरा है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 70 का होगा बी, केवल दो और तीन, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन, और तीसरा सही है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। याद रखना 70 का बी है। 71 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विधि किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो याद रखना 71 का भी होगा, अरुणाचल प्रदेश। 72, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो याद रखिए 72 का होगा बी, वनस्पति उद्यान, 72 का बी है। फिर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में महानगर योजना समिति है। पहला है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, दूसरा है उन महानगरीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, तीसरा है उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 73 का होगा ए ऑप्शन, केवल एक और दो। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, दूसरा है उन महानगरीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रारंभ करती है, तीसरा गलत होगा इसमें। ठीक है, 73 का ए ऑप्शन है, 73 का ए है। 74 क्वेश्चन नंबर, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधानों का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। दूसरा है लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय
पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती श्रेणी दोनों सम्मिलित होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 74 का बी होगा, प्रोत्तर का बी होगा। कौन सा? केवल दो, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। 74 का बी है, 74 का बी है। 75, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 75 का होगा सी, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। 75 का सी है, 75 का क्या है? सी। ठीक है, फिर है 76 क्वेश्चन नंबर। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा वाड़ी का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा वाड़ी के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो याद रखिए 76 का होगा हमारा डी ऑप्शन। गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। ठीक है, 76 का डी। 77, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। तो याद रखना 77 का होगा ए ऑप्शन। 77 का क्या होगा? सार्वभौमिक विधान से। 77 का ए है। 78 क्वेश्चन नंबर। मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छोटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना 78 का बी, यह कुछ मृदाओं को अपरागम बना देता है। 78 का बी होगा, 78 का बी होगा। फिर 79, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण द्वारा विकसित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है जैव विविधता के बिखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची हो। दूसरा है संकटग्रस्त पौधों और पशुओं पशु जातियों की सूची। तीसरा है विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो 79 का होगा हमारा बी ऑप्शन, केवल दो, संकट पौधों और पशुओं की जातियों की सूची। ठीक, 79 का बी ऑप्शन है। 80, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है? पहला है लोक लुभावन ऋण अधो मुख्य ऋणों का ही एक रूप समझे जाते हैं, तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो। दूसरा है देश में लोक लुभावन ऋण मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 80 का ए ऑप्शन है, केवल एक, लोक लुभावन ऋण अधोमुख ऋणों का ही एक रूप समझे जाते हैं, तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनकी ऋण चुकता ना हो। ठीक, 80 का ए है, 80 का ए है। फिर 81 का क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है किंतु उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, डी ऑप्शन है, 81 का, 81 का डी है। ठीक है, 82, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। दूसरा है विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 82 का होगा डी ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक
उनाई दो, ठीक है, 82 का डी है। 83 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो याद रखना 83 का होगा ए ऑप्शन, वाणिज्यिक बैंकों की, 83 का ए ऑप्शन सही, ठीक। 84, सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? पहला है स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित देना, दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित देना, तीसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो 84 का होगा डी ऑप्शन, 84 का क्या होगा डी ऑप्शन, 1, 2, 3, ठीक है, इसमें तीनों सही होंगे, ठीक है। 85 क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का निवेश क्यों कर रही है? तो पहला, सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुक्त अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। दूसरा, सरकार अब CPSES के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती है। तो याद रखिए 85 का होगा डी ऑप्शन, 85 का क्या होगा डी, ना तो एक सही है और ना ही दो, ठीक है, 85 हमारा डी है। फिर 86 क्वेश्चन नंबर, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतों के बीच क्या अंतर होता है? तो पहला, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाओं हैं, जबकि धूमकेतु हिम शीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रखते हैं। दूसरा, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तीसरा, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 86 का होगा बी ऑप्शन, 86 का बी होगा, 1, 2, 3 तीनों सही हैं इसमें, ठीक है, याद रखिए तीनों सही हैं, 1, 2, 3 तीनों सही हैं इसमें। 87 क्वेश्चन नंबर, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है? तो याद रखना है आर्थिक विकास युग्मित होता है स्फीति के साथ, याद रखना 87 का बी है। 88, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है? ए ऑप्शन सही है, 88 का ए ऑप्शन सही है। 89, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें अधिक सशक्त तथा स्थायी होती हैं, क्यों? पहला है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 89 का ए ऑप्शन होगा, केवल एक, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, 89 का ए ऑप्शन सही है। फिर है 90, निम्नलिखित में से किस के द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? तो पहला है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल डमरू को अधिक गहरा बनाकर। दूसरा है, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच क्राब भूसंधि जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 90 का बी ऑप्शन है, केवल दो, सियान घाटी और अंडमान सागर के बीच क्रा भूसंधि जलमरू के पार नई नहर खोलकर, याद रखिए 90 का बी ऑप्शन है, ठीक है। फिर है 91 क्वेश्चन नंबर, 91, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी
तथ्यों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो याद रखिए 91 का सी होगा, इसमें 91 का सी होगा। ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। सी ऑप्शन है, ठीक है 91 का। 92 क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः मल्लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो याद रखना 52 का सी है, दोनों सही है, ठीक है 1 और 2 दोनों सही है। 93 क्वेश्चन नंबर 93, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो याद रखिए 93 का सी है, धान और जूट, 93 सी है। 94, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या है और क्या क्या हो सकते हैं इसमें? तो पहला है, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित होता है। दूसरा, यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 94 का ए है, केवल एक, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है, ठीक है। 95 क्वेश्चन नंबर, समतामंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? पहला है, समतामंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। दूसरा है, समतामंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होते हैं। इस संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन उपयुक्त स्पष्टीकरण है? तो याद रखना 95 का होगा सी, एक और दोनों सही है, ठीक। फिर 96 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यता अधिक होती है। दूसरा है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्न उत्तांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 96 का हमारा होगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है 96 का सी है। फिर है 97 क्वेश्चन नंबर, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती हैं। यह यूटर्न क्यों बनता है? तो याद रखना 57 का बी ऑप्शन, यह भू विज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षय संघीय नमन के कारण, बी ऑप्शन है, ठीक है 57 का। फिर 58, निम्नलिखित विशेषताओं में भारत के एक राज्य की विशेषताएं, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। दूसरा है, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा है, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नगद फसलों की खेती अधिक होती है। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो याद रखना 58 बी, गुजरात, 98 का बी है। फिर 99, आभासी निजी परिपथ क्या है? आभासी निजी परिपथ क्या है, इसमें बी ऑप्शन सही है, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो उपयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है, 99 का बी है। फिर है 100 क्वेश्चन नंबर, धर्म और त्रत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति
व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है त्रित, मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि उसमें अंतर्निहित सारे तथ्यों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 100 का C होगा, 100 का C होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है? दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 1 2011 का IAS का। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे IAS UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2012 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, याद रखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो उसे एक बार चेक जरूर कर लें, हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो गई हो। ठीक है, वैसे तो मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि कहीं आपको डाउट ना रहे, फिर भी अगर हो जाती है तो देख लें। ठीक है।